हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और अभी हम हैं ऋषिकेश में, तो अभी हो चुके हैं सुबह के 10 बज चुके हैं। अभी इन अपडेट हो चुका, मैं उठ चुका और रेडी हो चुका हूँ ऑल सेट। तो अभी हमारा प्लान है पहले लखनऊ झूला में जाने का, और जो भी फेमस जगह होंगे ऋषिकेश की वो हम एक बार विजिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देख के मिलते हैं लखनऊ झूला पे। और ये जो हम रुके हुए ना यहाँ रूम पे दिखा देता हूँ बाहर से कैसा व्यू आ रहा है। ये देखो बाहर का व्यू है, यहाँ पे से धूप निकल रही है। अपने यहाँ तो धूप भी नहीं निकल रही, यहाँ तो धूप भी निकल रही है। देखो किधर है पहाड़, ये पहाड़ है, ये यहाँ से दिख रहे हैं। देखो ये इसको ये पता नहीं, यहाँ बालकनी भी है कोई। हमारा पूरा व्यू दिखता है। ये थोड़ा सा फर्जी सस्ता रूम, देखो ये रूम हमको मिला था रोड पर था, हमको मिल नहीं रहा था कोई। तुम्हें क्या सर को बताया क्या दिक्कत है? ये आपने जो अंदर की ये अबे तो ये कपड़ा चीज है फट जाती है। ये सब बैग रेडी हमारे, तो चलिए गाइस चलते हैं। सो गाइस अब चलते हैं बाहर से, ऊपर से लॉक। अबे चाबी से भी खोलना पड़ेगा, खुल गया ऐसे यार, बहुत खोल रखे हैं। तो गाइस अभी हम रूम से बाहर आ चुके हैं, चेकआउट करना है। फिर दिखते हैं अगर रिक्शा मिलती तो रिक्शा से जाएंगे, या कोई ऑटो वोटो कुछ भी मिलेगा। यहाँ से देखा है 2 या 3 किलोमीटर है राम झूला, कोई सॉरी लक्ष्मण झूला, तो वहीं मिलता है डायरेक्टली। देखते हैं क्या मिलता है, ऑटो वाटो कुछ मिलता है फिर देखते हैं। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण झूला जाने के 2 किलोमीटर के 150 रुपए भाई, रात में यार 30 रुपए, रात बोला 30 रुपए जाने के भाई, क्या हाल है यार, बहुत बुरा हाल है। तो गाइस ये कुछ यहाँ की लोकल मार्केट देख रहे हैं, सब कुछ मिल जाता है, बैग बैग खाना वाना सब कुछ है यहाँ पर, सारी चीजें यहाँ पर है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर राम झूला की तरफ जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है यार लक्ष्मण झूला तो बंद है आज, लेट्स सी राम झूला ही देखते हैं यार। बस वही हुआ तो गाइस यहाँ भी चढ़ाई है यार, हल्की हल्की चढ़ते ही जा रहे हैं। ठंड तो बिल्कुल नहीं है यार, यहाँ तो नॉर्मल धूप निकल रही है, बस आराम से मजे करो। गाइस वो राम झूला सामने ऊपर देख रहा है, ये राम झूला है, ये नीचे गंगा नदी। ऊपर कितना मस्त व्यू है यार, पहाड़ अच्छा। वाओ नाइस, कितना साफ पानी है। और ही इज टॉकिंग विद हर मदर, दिस इज आवर लोकल मार्केट। तो गाइस ये राम झूला, यही है ना राम झूला, ये क्या है? तो फिर अंकल जी ये क्या है, ये राम झूला है, यही तो राम झूला है वैसे। सो ये भाई गाइस राम झूला, राम झूला जगदीश सर यहाँ पर ठहर चुके हैं। अरे यार क्या व्यू है यार, मस्त, मतलब यहाँ से तो खतरनाक ही व्यू आ रहा है बिल्कुल यार, पर डर भी लग रहा है भाई थोड़ा थोड़ा। ये तो वही है, ये सामने का भी है कुछ पहाड़। सो गाइस आइए चलते हैं। कुछ भी है झूला के नीचे का, यहाँ कुछ मंदिर वगैरह है, ये मंदिर है यहाँ पर, ये कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ से। आगे देखते हैं अपनी दहाने वगैरह है। हाँ भाई अरे वाह नाइस व्यू।
सो गाइस फाइनली इन अभी से हवाई नहा रहे हैं अब भाई, तो मैं दनी दोबारा नहा पाए भाई, अकेले ही नहाने चला गया भाई, देख रहे ये वाह क्या बात है, वन मोर श्री राम क्या व्यू है भाई, यहाँ से है यहाँ पूरा दिखेगा, दिखा दिया मैंने तुझे जा। गाइस फाइनली ये नहा चुका है और अब प्रसाद चढ़ाएंगे फिर और दूसरी लोकेशन बताएंगे, और टाइम लगा दिया नहाने में, घंटा लगाए ये कुछ मंदिर ऐसे बोट ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो अंकल जी बंसी बजाते हुए, पैसे तो रखते कुछ, हाँ ये दे ये बंदे यार जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करते हुए देख रहे हो क्या फेवरेट चीज खा रही है, पम्बल है और कितना क्या है खट्टा मीठा, यहाँ का व्यू तो खतरनाक आ रहे हैं यहाँ से। ओ राणा जी बताइए अब क्या प्लान है आपका, ये तो सब भाई घूम लिया हम लोगों ने, अब हमारा प्लान है दूसरी लोकेशन पे जाने का, अब यहाँ थोड़ा बहुत खाते हैं भूख लग रही है, प्रसाद भी चढ़ा दिया था हमने, वीडियो शूट नहीं किया था, शूट करना अलाउड नहीं था वहाँ पर, तो अब कहीं दूसरी जगह चलते हैं देन वहाँ मिलते हैं। सो जस्ट अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, ये कुछ यहाँ का व्यू है सेम टू सेम नैनीताल में ऐसे ना मॉल रोड के सामने व्यू, हाँ ये देखो ये देखो, और ये हमको देख लो, अब फिर भाई चलाया जा रहा है कुछ खिला दिया था भाई, भूखा मार दिया भूखा मार दिया भूखा, अरे जिम भी है सामने दिखाऊँ तुमको, एक्सरसाइज करने थे यहाँ कर सकते, देखो ये ये यहाँ से है 1 किलोमीटर दूर लक्ष्मण झूला या एक मंदिर भी है वहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी, तो डायरेक्टली वहीं मिलते हैं फिर, बीच में कुछ खाने का वो तो खाएंगे, भूख लग रही बहुत तेज, वैसे यार मज़ा आ रहा है घूमने में, मतलब पूरा एंजॉय आ रहा है भाई, फॉरनर भी जा रहे हैं इधर तो, नमनी से मैंने कहा बात कर ले हट रही है इसकी, उसने बता दे खिलाया भाई साहब ये तो मस्त 20 रुपये के 4 क्या बात है, रहता था वहाँ का था 20 रुपये का 4 ये लोकेशन जगह, यहाँ भी चढ़ाई है यार गाइस, लग रहा है रोड तो है बट है चढ़ाई भाई हल्के हल्के, पीछे देखो नीचे देखो ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं, ना क्या हुआ मैं भी थोड़ा थक चुका हूँ आज, फॉरनर लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि फॉरनर है, ओहो देख रहे हो गाइस देख रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन कैप चश्मा बियर्ड, बैग ज्यादा हो गया यार बैग में बहुत कुछ अच्छा ऐसा लग रहा है ब्रो, बहुत अच्छा लग रहा है बट थक चुका हूँ काफी, यात्रा तो कंप्लीट हो चुकी है अभी सिर्फ लक्ष्मण झूला जाना है, इतने स्टेप चल लिए इतने चल लिए हम कल से इतने चल रहे हैं भाई, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं भाई, सामने वो लक्ष्मण झूला हमारा हो गया पोपट भाई, वो बंद है रिपेयर की वजह से, हम सोचा चलते हैं कुछ देख लेंगे बट वहाँ बंद है वहाँ जाना मना है, तो हम जा रहे हैं अब वापस। सो गाइस हमारा हो गया पोपट, वो बंद था झूला, फिर वापस जा रहे हैं हम लोग, इतना पैदल चलते चलते पागल हो चुके हैं इस इंसान की वजह से, चला रहा है गाड़ी कितना रोड है इसमें आगे तो खत्म हो जाएगा भाई, लगता है भाई अगली लोकेशन पे टेस्ट क्रिकेट का टूर्नामेंट चलता हो, थोड़ा मैं देख लेते हैं मस्त क्या पहाड़ों के बीच मैदान है, टीम खेल रही है बल्लेबाज इधर बॉलिंग, ये बॉलर बॉल कराई, ये क्या होगा अबे भाई क्या शॉट है, सुबह से यहाँ पर कुछ भंडारा चल रहा था, नवनीत भाई वाले भंडारा करते हैं
लुक एट दिस, यहाँ से कुछ व्यू है वो। कुछ बोलना चाहोगे? ये है भंडारा लेने के लिए आए हैं, यहाँ पे भंडारा खाने के लिए बैठे हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन भूख काफ़ी पड़ रही है, घर भी बहुत लग रही है। भंडारा दिखाने का बहुत मस्त हो रहा है। थाली खीर है, चटनी, छोला, डबल रोटी। सो गाइस फाइनली हमने वो निकल लिया और नवनीत तो भाई पेल के खाया मतलब तो भंडारा चल रहा था यहाँ पर, हम ऐसे निकल रहे थे रास्ते से, तो फाइनली यहाँ पर हमको मेरा भाई पेट भर गया बहुत मस्त एकदम। और अब जा रहे हैं हम दूसरी लोकेशन पे, तो वहीं मिलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हाँ चल। हर के तेरा